हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्पीकिंग पार्ट वन के कुछ बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस करूंगी। उनमें से आज मैंने एक टॉपिक पिक किया है जो बेसिकली रिलेटेड है होम टाउन से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि इनका आंसर कैसे देना चाहिए। सो आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, सिंगल मॉड्यूल की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। मॉर्निंग बैच 10:30 होता है एंड इवनिंग 4:30 होता है। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है जिसको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में लगता है, वो इस गिवन नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करके ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल हो सकता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर होम टाउन? आपकी होम टाउन का नेम क्या है? ठीक है, सो आपने क्या कहना है, My hometown name is dash, जो भी आपके hometown का name है, which is situated under the district of, जो भी district से belong करते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे district आएगा। ओके, सो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, district आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे hometown का name ये है जो इस district के under situated है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है वो है, इज़ इट ए बिग सिटी और स्मॉल प्लेस? मतलब आपका जो होम टाउन है वो एक छोटा सा है या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है? सो देखो, एक्चुअली इट इज़ डैश प्लेस। आप कह सकते हो छोटी है, बड़ी है, जितनी भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इतनी प्लेस है। विच इंडल्ज डैश पॉपुलेशन, जिसमें इतनी पॉपुलेशन आती है। ठीक है, इंडल्ज होता है इन्वॉल्व, इसमें इतनी पॉपुलेशन है मेरे होम टाउन में। सो नेक्स्ट है, Describe your hometown a little. अपनी hometown को थोड़ा सा बताओ। सो देखो कैसे इसका आंसर देना है, My hometown is amazing place. मेरे जो hometown है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी place है, which provide disparate sort of amenities, जो काफ़ी तरह की facilities हैं वो provide करते हैं, चाहे वो related हो education या फिर transportation से regarding, वो सारी facilities मेरे hometown में मिलती हैं। उन्होंने हमें जस्ट ब्रीफ पूछा था, हमने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग देयर? आप वहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ पर अपने चाइल्डहुड के टाइम से ही रह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, वुड यू से इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस? आपका होम टाउन इंटरेस्टिंग प्लेस है? सो देखो, ऑफकोर्स इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है ड्यू टू मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं इसके पीछे, बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल इवन रिक्रिएशनल प्लेसेज आर अवेलेबल विच कैप्टिवेट टू मासेज। यहाँ पर तरह तरह की प्लेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट से रिगार्डिंग भी चीज़ें अवेलेबल हैं, हिस्ट्री से रिगार्डिंग भी अवेलेबल हैं, जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, मासेस होती हैं पीपल, कैप्टिवेट मतलब प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वुड यू लाइक टू लिव देयर इन द फ्यूचर? क्या फ्यूचर में यहाँ पे रहना पसंद करोगे? सर्टेनली आई वुड टू लिव देयर इन द फ्यूचर, मैं डेफिनेटली रहना पसंद करूँगा। द प्रिडोमिनेंट वन इज़ दैट इट्स माई बर्थ प्लेस, ये मेरी बर्थ प्लेस है। इवन माई चाइल्डहुड डेज मेमोरीज एसोसिएट विद दिस, जितनी भी मेरी चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज हैं वो इस प्लेस के साथ एसोसिएट है, सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे रहना पसंद होगा फ्यूचर में भी। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो क्या है, इज़ देयर एनीथिंग दैट यू डिसलाइक अबाउट इट? क्या कोई चीज़ है जो आप लोग डिसलाइक करते हो अपने होम टाउन के रिगार्डिंग? येस, फ्यू थिंग्स दैट आई डिसलाइक अबाउट माई होम टाउन इज़ मोस्ट ऑफ द यंगस्टर नेवर सपोर्ट ईदर फैमिली और कल्चर बाय विच रिलेशनशिप विल बिकम वीक। मैंने कहा हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है अपने होम टाउन के रिगार्डिंग, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो यंगस्टर हैं आजकल के, वो अपनी फैमिली को भी नहीं सपोर्ट करते और ना ही कल्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं मेरे होम टाउन में। सो दैट्स द मेन रीज़न, ये मुझे नहीं पसंद कुछ चीज़ें मेरे होम टाउन की।
ठीक है गाइस, ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि जनरल क्वेश्चंस के ऊपर मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी टीचर्स डे की विशेज मुझे सेंड की हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इनरोल हो सकते हो अगर इंटरेस्टेड है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड शेयरिंग IELTS विद AMKE चैनल।